चलिए आज के हमारी क्लासेस में हम इस कंडीशन के एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को करते हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस कर लीजिए, बिजली का बिल की कैलकुलेशन कर लीजिए या इनकम टैक्स की कैलकुलेशन कर लीजिए, हम इसी तरीके से करते हैं। ओके, जैसे कि मेरे सामने आपके सामने डेटा है जिसमें मैंने बताया था कि अगर 0 से 40 हुआ तो 20 रुपीज, 41 से 80 हुआ तो 60, और 81 से 100 हुआ तो 80, और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 100 रुपीज पर क्रेडिट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन समझा भी रखी है, तो चलिए इसी चीज को हम यूज करते हैं। अब यहां पे मैं करता हूं फॉर्मूला इफ का, अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ, ध्यान देखिए, तो क्या करेंगे, बी टू मल्टीप्लाई बाय 40 कॉमा, फिर कर दे इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 हुआ, तो हम 40 तो दे, 40 जो है वो 20 रुपए के हिसाब से है तो कितना होगा, 800 होगा ना सर, 40 मल्टीप्लाई बाय 20, या फिर आप डायरेक्ट यहां लिख भी सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 20, या फिर आप यहां पे डायरेक्ट 800 लिख सकते हैं, प्लस इसको सिलेक्ट किया और माइनस 16 40 और यहां मल्टीप्लाई बाय 60, तो अगर किसी की 45 सेल होगा तो 840 का मिल जाएगा, फिर बी टू में से 40 को मल्टीप्लाई माइनस करेगा तो 5 बचेगा, और उस 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेगा तो 800 में वो जुड़ जाएगा, जैसे कि यहां हमने बताया हुआ है, समझे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। फिर यहां पे तीसरा कंडीशन कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है, तीसरा कंडीशन, यहां पे 800 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पे अगेन हमारे 40 मल्टीप्लाई बाय 60 है, मतलब कि 40 के बीच का है, समझे। तो 40 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना होगा, 2400 होगा ना, या फिर आप यहां लिख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 60, या एक फॉर्मूला बहुत लेंदी ना हो तो आप यहां पे 2400 कर सकते हैं, या दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड कर दीजिए, 3200 कर दीजिए, प्लस हमने इसको सिलेक्ट किया माइनस ब्रैकेट में लेते हैं ताकि बोर्ड मार्क मिलता हो, माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर यहां तीसरा कंडीशन चलेगा, अगर ए लेस देन इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन 100 तो हो गया ना, ग्रेटर देन 100 है तो क्या होगा, 3200 प्लस अब यहां पे 20 मल्टीप्लाई बाई 80 तो 1600 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब इसमें से माइनस करेंगे कितना, तो रिजल्ट आएगा वो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, एंटर मार्किंग क्लोज हो जाएगा, सामने रिजल्ट आ गया। सेम उसी तरह बिजली के बिल की कैलकुलेशन होता है ना, जैसे कि अगर आपका 100 यूनिट तक बिजली आता है तो आपको जो है 2.50 रुपए पर यूनिट देना है, अगर 200 से लेके 400 तक आया तो आपको 3 रुपए यूनिट देना है, 400 से लेके 800 तक आया तो आपको यहाँ पे 5 रुपए देना है, और ग्रेटर देन 800 आया तो आपको 7 रुपए,
तो मान लीजिए बिजली का बिल अगर 640 यूनिट आया है तो क्या कैलकुलेशन होगा? यहाँ पे इफ करेंगे हम, इफ लेस देन इक्वल टू 100 है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो जाएगा। अदरवाइज अगर ए लेस देन इक्वल टू 400 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाई 2.5 क्योंकि 100 प्लस लैप तो होगा ही होगा ना, प्लस इसमें से हम माइनस करेंगे 100 और जो आएगा वो मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। समझ में सर? रोहन जी यस सर यस। मान लीजिए आपने आपका 150 यूनिट हुआ है तो 150 यूनिट में आपको 150 मल्टीप्लाई बाय 3 थोड़ी करना, 150 में 100 यूनिट तो आपको 2.5 रुपए वाला यूनिट है, आपका 50 यूनिट है वो आपका 3 रुपए वाला है ना। तो मैंने यहाँ पे 2.5 रुपए वाला यूनिट निकाल दिया और फिर 50 वाला यूनिट निकाल दिया, 3 रुपए वाला यूनिट निकल गया 50 का। उसके बाद यहाँ पे फिर तीसरा कंडीशन होगा कि अगर लेस देन इक्वल टू 800 हुआ तो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 2.5 तो होगा प्लस अगेन आपका 200 से 400 है ना, 400 इसमें 200 जो होगा वो मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 400 क्योंकि 100 हमने 2.5 रुपए दिया, याद रखना 100 हमारा 2.5 रुपए दिया, 200 हमारा 100 से 400 होगा, 100 से 400 तक 3 रुपये होगा, माइनस हमारा 400 होगा और वो मल्टीप्लाई बाय आपका। इस तरह से हम इनकम टैक्स की, बिजली की कैलकुलेशन, बिल की कैलकुलेशन और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है सर? यस सर। और कल की इस क्लास की डेट एंड टाइम की क्लास की वीडियो मिल गई थी आपको?